तुर्की सीरिया में 24,000 से ज्यादा मौतें। भारतीय टीम ने 5 दिन में मलबे में दबी बच्ची को बचाया, 106 लोगों का इलाज किया। बाइडेन के बाद पेंस के घर मिली सीक्रेट फाइल्स। ट्रंप के समय उपराष्ट्रपति थे, एक दिन पहले कैपिटल हिंसा का समर मिला था। उत्तराखंड में जारी हुआ नकल विरोधी कानून, पकड़े गए तो उम्र कैद के साथ देना होगा 10 करोड़ का जुर्माना। तीन स्पाई बैलून के बाद अमेरिका में दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अलास्का के ऊपर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था फाइटर जेट ने मार दिया। जम्मू कश्मीर रामबन जिला के कैफेटेरिया मोड़ इलाके में भूस्खलन, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पहल करे मोदी, अमेरिका ने कहा उनकी कोशिश का स्वागत करेंगे, दोनों देशों में दुश्मनी खत्म करना जरूरी। एयर इंडिया ने फाइनल की 500 विमानों की डील, इसे मदर ऑफ ऑल एविएशन डील कहा जा रहा है। ऑर्डर में 430 न्यूरो बॉडी और 70 वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल। गूगल की 20 साल की बादशाहत को चैट जीपीटी से खतरा, लोगों का रुझान नए विकल्पों में। रूस ने घंटे में यूक्रेन पर दागी 17 मिसाइलें, ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया, यूक्रेन ने 12 हमलों को नाकाम किया। कनाडा में आतिशबाजी पर रोक, भारतीयों में नाराजगी, स्थानीय लोगों से विवाद के बाद दो शहरों के अफसरों ने यह कदम उठाया। हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू, जींस टी शर्ट प्लाजो बैकलेस टॉप गहने और लंबे नाखून पर भी रोक, मंत्री ने सही ठहराया। त्रिपुरा में बोले पीएम मोदी, बोले कि वामपंथियों को ही योजना का लाभ पहले मिलता था, आज ये राज्य विकास से वंचित नहीं। इसराइल में फिलिस्तीनियों के वुल्फ अटैक की वापसी, यहूदियों की भीड़ को रौंदते हुए निकली कार, 6 साल के बच्चे समेत लोगों की मौत। नाक से खून, बुखार और फिर मौत, अफ्रीका के इस देश में अनजान बीमारी से आज की मौत, 200 क्वारंटाइन, WHO ने जांच शुरू की। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में धमाका, लिक्विड आयरन से 10 लोग घायल, विशाखापट्टनम के घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस ने देश विरोधी ताकतों को मजबूत किया, कर्नाटक की सुरक्षा केवल बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने सैयदना साहब की साथ बनाई रोटियां, पीएम बोले यहां परिवार के सदस्य रूप में आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के अल जामिया में शिरकत की। भारत ने पारी और 132 रन से जीता पहला टेस्ट, तीसरे दिन ही कंगारू ने टेके घुटने। टीम इंडिया WTC फाइनल के करीब, पहला टेस्ट जीतने के बाद भारत के 61.67% पॉइंट हुए, जानिए पूरा सेमी। रविंद्र जडेजा पर मैच फीस का 25% फाइन, अंपायरों को जानकारी दिए बिना उंगली पर मरहम लगाया था।